हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स स्टूडियो में एचएससी कलर के रिजल्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओन कर लेना है, ठीक है? मैं सबसे पहले आपको साइट पर दिखा देता हूँ इसकी कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, ठीक है? तो आपको इसमें फिलअप करना है एचएससी कलर कट ऑफ लिस्ट, ठीक है? तो गाइस, इतना क्लिक करने का था आपको सर्च पे क्लिक कर देना। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स नीचे आइए। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से एचएससी कलर रिजल्ट 2019 आउट हरियाणा में मेरिट लिस्ट, ठीक है? आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है फर्स्ट लिंक पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस साइट पे आ जाओगे, ठीक है? तो आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स नीचे आइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से जनरल की 65, 69, बीसीबी की 63 से 67, बीसीए की 62 से 64, एससी की 55 से 58। गाइस, जो आपकी लिस्ट है इसके मतलब समथिंग रही थी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो कट ऑफ गई थी आपकी डॉक्यूमेंट के लिए। मैं आपको गाइस इसमें से फाइनल आपकी लिस्ट को बता देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ की क्या जा सकती है। मैं आपको इसमें से आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप जनरल, जो भी स्टूडेंट जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, गाइस देखिए पेपर मैंने भी दिया था, तो मैंने कई अपने फ्रेंड से पूछा है, ठीक है? तो मैंने मतलब कि सारा मतलब करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। देखिए कि आपको सच कोई नहीं बताया कि यहाँ कट ऑफ बिल्कुल यही जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है इसके मतलब इन नंबर्स के बीच में जा सकते हैं। आपको ओनली अनुमान से मतलब बताया जा सकता है। आपको प्रॉपर कोई नहीं बताएगा आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। वीडियोज बनती रहती है यूट्यूब पे कि आपकी कट ऑफ है 60 से 65 के बीच में जाएगी, इतने इतने बीच में जाएगी। तो यार उनकी बात मत मानिए, ठीक है? आपको सिर्फ अनुमान से बता रहे हैं सब लोग, किसी को पक्का नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी। एक ने वीडियो डाल रखी थी पंचकुला की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं होता है पंचकुला की तरफ से। यार वो मतलब कौन सा एसएससी में काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ठीक है? बस अनुमान से आपको बताया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आपके कुछ चांस हैं, कुछ चांस है गाइस। ये नहीं कि आपको पक्का सिलेक्शन ही होना, नहीं, कोई श्योर नहीं कहता यार। वैसे लोगों की अलग अलग कमेंट्स होती हैं, बातें होती हैं, तो सबकी अलग अलग वीडियोस बनाते हैं लोग, तो उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जनरल, गाइस आपकी जनरल की बात करें, फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है 69 से 72 आपकी जनरल की कट ऑफ की बार रह सकती है। 69 से 72 या 71 की समथिंग आपकी कट ऑफ रह सकती है आपकी बार जनरल की, ठीक है? और फ्रेंड्स आपकी बीसीबी की बात करें, बीसीबी की बात करें फ्रेंड्स आपकी, इसमें बीसीबी की मान लीजिए आपकी 67 से 69 की कट ऑफ आपकी रह सकती है। बीसीबी की जो स्टूडेंट है हमारे, उनकी जो कट ऑफ है 69 से मतलब कि कम से कम 67 से 69 के बीच में कट ऑफ रह सकती है बीसीबी की। अगर हम बीसीए की बात करें फ्रेंड्स, आपकी जो बीसीबी मतलब बीसीए की रिजल्ट मतलब की लिस्ट है गाइस, आपकी 67 से 68 के कट ऑफ मतलब समथिंग बीच में रह सकती है आपकी बीसीए की। और अगर हम एससी की बात करें फ्रेंड्स, एससी कास्ट की बिलोंग मतलब एससी कास्ट से बात करें, हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी एससी की गाइस, 63 से 66 मान लो या 65 मान लो, ठीक है? इतना ही आपकी कट ऑफ रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी एससी कास्ट की। एससी की 64 या फिर 63 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, जो भी हमारे क्या कहते हैं, जो इनका सर्टिफिकेट बनता है हरियाणा में, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जो होते हैं, उनकी अभी जो कट ऑफ है गाइस बिल्कुल जनरल के आसपास रहेगी, ठीक है? आपकी मान लो इसकी कम से कम मान के चलिए आप 65 से 67 EWS की कट ऑफ भी कम से कम रहने वाली है आपकी बार आपकी, ठीक है? और जो हमारे फौजी भाई हैं जो एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, तो उनकी जो कट ऑफ है 45 से 50 के समथिंग रहेगी। एकदम करेक्ट डाटा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं जो एकदम सही कट ऑफ है एक्स सर्विस मैन वालों के लिए। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है फ्रेंड्स, आपकी कट ऑफ बिल्कुल ऐसी रहने वाली है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। आपको करेक्ट कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक अनुमान से बताया जा सकता है कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है? और आपके कितने मार्क्स बने हैं गाइस हरियाणा जैसे कलरक में, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई भी डाउट लगता है वीडियो में, फिर आप कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे ऐसे रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? और जो मेरे फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हुए हैं, प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।